हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्त परेशान रहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, और ये तो आई थिंक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया होगा मैंने जिसमें किसी ने ये ना पूछा हो कि प्रभु जी गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। सो वेल, गुस्सा आता ही क्यों है पहली बात? इसका आंसर भी भगवद गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक कृष्णा कह रहे हैं, ध्याय तो विषयां पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजयते कामा कामात क्रोध हवि जायते। आपको पूरा श्लोक समझने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ही है कामात क्रोधो अवि जायते। क्रोध वहाँ होता है जहाँ काम वासना होती है। काम वासना मतलब इच्छाएं जहाँ होती हैं। इच्छाएं कैसे आती हैं? कृष्णा कह रहे हैं ध्याय तो विषयां पुंसा, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो, तो धीरे धीरे उस चीज़ से आसक्ति हो जाती है, संजात संजय थे कामा। और जब आसक्ति हो जाती है तो मन करता है मैं उसको ले लूं, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। तो अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आएगा, और इच्छा बाई चांस पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा कि मैं और लूँ, फिर पूरी हो गई फिर और लोभ आ जाएगा और लूँ, और फिर जब एक पॉइंट पे तो नहीं मिलेगी तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आता है जब हमारी इच्छाएं ब्लॉक होती हैं, जब इच्छाएं रुकती हैं। भैया आप अभी आपको सोच के बैठे हो कि ऐसे ही करना है, और कोई कहेगा नहीं करना तो गुस्सा आ जाएगा, क्यों नहीं करना? क्योंकि हम सोच के बैठे हैं, हमारी इच्छा है कि ऐसा हो। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का बहुत सीधा साधा उपाय है, दो तरीके हैं। पहले तो आप फालतू की चीज़ों पर सोचो ही मत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर आप फालतू की चीज़ों पर सोचोगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं करोगे, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं आएगी। इच्छा नहीं आएगी तो फिर अगर पूरी इच्छा नहीं हुई वो, आप कोशिश करोगे करने की इच्छा पूरी करने की, पूरी नहीं तो गुस्सा आएगा। तो आपने रूट पे ही काट दिया इसको, आप बेकार की चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे। मगर कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ना जानते हुए भी सोचना पड़ता है, ना समझते हुए भी सोच लेते हैं, और हमें पता नहीं लगता, मगर इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है उसके लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम टीवी, लोग टीवी देखते हैं, हम तो नहीं देखते, लोग टीवी देखते हैं तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं आजकल तो, नहीं प्रोग्राम से अब तो आ ही रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स, तो आप स्किप भी नहीं कर सकते, तो देखते हो आप, देखते हो तो एक अनकॉन्शियसली बार बार जब वो ऐड देखते रहते हैं तो उस हमारा मन करता है चलो एक बार लेके देख लें प्रोडक्ट, ये करके लेके देख लें चलो। या मार्केट में जाओगे आप, वो चीज़ देखोगे, आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत देखी हुई है, तो आपका मन करेगा अरे हाँ ये तो सुना हुआ है ये ले लेते हैं, उसके लिए इच्छा आ जाएगी। सो इच्छा एक हटाने का एक तरीका है, इच्छा आ जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। क्रोध हटाने का तरीका एक है कि आप सीधा रूट पे अटैक करो, आप गलत चीज़ों को सोचो ही ना। अच्छी चीज़ें सोचोगे तो फिर तो चलो अच्छा ही है, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि कभी कभी हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं प्राप्त करने की, मगर वो भी नहीं मिलती, और इसलिए गुस्सा आता है। तो क्या करें फिर? तो सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और भाई आपने प्रयास किया मगर नहीं मिली तो उसमें गुस्सा आएगा, तो उसमें क्या करना है, कामात क्रोधो अभी जाया थे, कि उन इच्छा अगर पूरी नहीं हुई आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि संसार का स्वभाव ये, कभी इच्छा पूरी होगी कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। जैसे भगवान ने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि तुम भीख मांगने जाओ, तो भगवान कृष्ण भगवान एक बार तो वृंदावन में खेलते हुए गए तो सामने मथुरा दिखाई दी यमुना जी के उस पार, भगवान ने कहा मुझे भूख लग रही है, यहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं उनसे खाना मांग के ले आओ। तो वो गए तो वहाँ पे ब्राह्मण लोगों ने धुतकार के भगा दिया कि तुम बच्चे हो कुछ नहीं, हम यज्ञ कर रहे हैं बाद में प्रसाद मिलेगा भाग जाओ। तो बच्चे बड़े दुखी हो के आए भगवान के फ्रेंड्स भगवान के पास, और भगवान ने कहा कि दुखी क्यों हो रहे हो तुम लोग, क्योंकि भीख मांगने का तो स्वभाव ही है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ऐसी इच्छाएं भी ऐसी हैं, आप प्रयास करोगे इच्छा पूरी करने की, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो उसमें क्रोध करने वाली बात क्या है? तो इसलिए दूसरा उपाय है कि हम ये वास्तविकता समझें कि
इच्छाओं को हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अगर नहीं होंगी तो उसमें हमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि इच्छाएं हमारी पूरी होंगी। पॉइंट क्रोध तब आता है जब हम मान के चलते हैं कि मैंने जो इच्छा की वो पूरी होगी, एज्यूम करके चलते हैं, और जब नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो ये भगवान ने दो एडवाइजेस दी हैं कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। पहली बात तो गलत चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं। अच्छी चीज़ के बारे में सोचोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी कभी अच्छी चीज़ के बारे में भी सोचते हैं तो इच्छाएं पूरी होती नहीं। तो उसमें कृष्णा कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो कि ज़रूरी नहीं है कि इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इस तो संसार का स्वभाव है, कभी चीज़ें बहुत पूरी होती हैं कभी नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। ऑफकोर्स कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे जुगाड़ भी कहते हैं, क्रोध आए तो आप उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्रोध आए तो मुंह में पानी भर के रख लो। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं, बट मैंने अभी बताया आपको चीज़ें, दो पॉइंट्स भगवद गीता के। मगर अगर आपको सिंपल सॉल्यूशन चाहिए ना, बहुत और सिंपल सॉल्यूशन, भगवान कृष्णा गीता में कह रहे हैं मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, वो और सिंपल सॉल्यूशन है। ये सारे सॉल्यूशंस हैं कि आप गलत चीज़ के बारे में मत सोचो, जब इच्छाएं आ जाएं तो आपको समझना चाहिए कि ये संसार का स्वभाव है, कभी पूरी होंगी नहीं होंगी। मगर क्या है कि आदमी ये सब कर नहीं पाता, चीज़ों को उलझ ही जाता है। तो भगवान कह रहे हैं और सिंपल सॉल्यूशन है, मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, अपने आप भगवान के स्मरण, भगवान के नाम से आप हैप्पी फील करोगे। वो भी मैकेनिज्म भगवान ने भगवद गीता में बताया है। एक तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उससे हैप्पीनेस फील होगी। जब खुश रहेंगे तो गुस्सा अपने आप नहीं आएगा। भाई गुस्सा तो तब आता है ना जब आदमी पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो खुश होता है तो कोई गुस्सा नहीं आता। जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, आपकी लॉटरी खुल गई, 20 लाख की लॉटरी खुल गई, और फिर तो आपने इच्छा की थी मुझे कोका कोला पीनी है, 3 दिन से आपकी इच्छा थी, और सामने कोका कोला आ गई, और आप अगर आपकी 20 लाख की लॉटरी लेकर खुल गई और कोका कोला कोई और उठा के ले गया तो गुस्सा आएगा। आप इतने खुश हो, 20 लाख हो गए, जाने दो यार, ठीक है जाने दो। उस खुशी में फिर जब आदमी बहुत खुश होता है तो अपने आप ही वो चीज़ें छोड़ देता है, अपने आप ही। जैसे अगर मान लीजिए आपकी जॉब प्रमोशन हो गई, आप घर में आए और आपकी आपकी जो नौकरानी है, जो मेड सर्वेंट है, उसने कुछ चोरी कर लिया और पकड़ी गई, और आपकी प्रमोशन हो गई, आपका पैकेज 20 लाख का हो गया 1 लाख से, और वो हो गई, तो वो आप खुद ही कहोगे चलो जाने दो, आज मैं बहुत खुश हूँ, जाने दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुशी में अपने आप व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, अपने आप व्यक्ति छोड़ देता है चीज़ें। तो कृष्णा कह रहे हैं ये भी एक मेथड है, और बहुत सिंपल मेथड है, सुखपूर्ण मेथड है। आपको गुस्सा आएगा भी नहीं, एक तो ये फायदा होगा, प्लस एडिशनल बोनस है कि हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान भी कह रहे हैं गीता में कि अनन्या चिंतन तो माम ये जना पर ही उपासते। कृष्णा कह रहे हैं जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए गुस्सा और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना बहुत आसान है। तस्याम सुलभ पार्था। और जो ये जुगाड़ उगाड़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कर सकते हो मगर मुश्किल रहता है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपको आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल रास्ता। हम तो रिकमेंड करेंगे कि भगवद गीता पढ़िए और आसान रास्ता लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए, खुशी भी मिलेगी, गुस्सा भी खत्म हो गया, बोनस भी मिल रहा है आपको, तो प्रॉब्लम ही क्या है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।